दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक्सेल शीट में जैसे कि आप कोई भी डेटा फिट करते हैं, उनमें आपको एक समस्या आती है कि किसी का नाम आपने लिखा है वह स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है या कैपिटल लेटर में लिखा गया है या फिर प्रॉपर लेटर में नहीं लिखा गया है, तो आप उन्हें कैसे सुधार कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही मैं बताऊंगा। और कौन सा फार्मूला लगाया जाता है, क्योंकि एक्सेल में ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जिससे कि आप उसे सुधार कर सकें, तो यह फार्मूला क्या है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें आ रही परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ जो कैपिटल लेटर, जैसे यह शब्द राम है, ये मुझे चाहिए पूरे कैपिटल लेटर में, मोहन पूरे कैपिटल लेटर में होना, ये पूरे नाम जो है कैपिटल लेटर में मुझे लिखना है। तो लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वल का निशान लगाऊंगा और अपर लिख सकता हूँ UPPER मैंने जैसे लिखा, या फिर यहाँ नीचे लिखा भी आ गया तो मैंने इसे क्लिक कर दिया और कॉमा अपने आप बना आ गया, ब्रेकेट बना आ गया। अब मुझे जिस कॉलम से या जिस सेल से मुझे कैपिटल बनाना है शब्दों को, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए, मैं इसे ब्रेकेट से बंद कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए आप, यह नाम कैपिटल बन चुका है दोस्तों। अब मैं चाहूँ तो ये नीचे के जो लिखे हुए नाम, इन्हें भी कैपिटल यहाँ पे कर सकता हूँ, तो यह कैपिटल पूरे हो जाएंगे, पूरे कैपिटल हो गए। लेकिन दोस्तों, आप इसे सीधे यहाँ से उठा के कॉपी और यहाँ पेस्ट नाम के नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर लिंक डली हुई है। देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ रखा मैंने, और इसे रखने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है, आप देखते हैं यह। तो यह क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा था और फार्मूला के कारण इन्होंने नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका समाधान कैसे किया जाए, तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आप देखिए, अंडू किया मैंने और यहाँ पर मैंने पेस्ट स्पेशल जो है ऑप्शन, इस पर क्लिक किया। पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करने के बाद आप देखिए, यहाँ पेस्ट स्पेशल में तीसरा वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ओके कर देता हूँ मैं। ओके किया तो यहाँ से जो फार्मूला लगा हुआ था वो फार्मूला हट चुका है। अब हटने के बाद मैं इसे यहाँ से पुनः सेलेक्ट करने के बाद में इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में इस स्थान पर रख देता हूँ जहाँ मुझे रखना था, पूरे नाम कैपिटल लेटर में, और पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखिए आप, पूरे पेस्ट हो गए हैं, बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ, कोई फार्मूला में चेंजेस नहीं आया है। अब मैं बात करूंगा इन्हें मुझे स्मॉल में लिखना है, यदि कहीं पे आवश्यकता स्मॉल में लिखने की, तो कैसे लिखेंगे, तो इक्वल का लगाना है और लोअर लेटर जो होता है वो लेटर यहाँ पे लिखना होगा मुझे LO, लोअर केस कहते हैं इसे, इसलिए लोअर लिखना है। और यहाँ पे ब्रैकेट आ गया है, जैसे जिस सेल राम नाम से, तो सेल का एड्रेस आ गया है, और मैं इसे बंद कर देता हूँ ब्रैकेट को और एंटर करता हूँ। एंटर करते देखिए, सभी नाम जो है वो हमारे नाम इस्तेमाल हो गए हैं, जैसे मैंने अपर केस में किया था, कैपिटल लेटर के लिए किया था, वैसे ही मैं इस्माइल के लिए भी लाइन को बढ़ा दूंगा, खींच दूंगा, तो सभी लेटर मेरे इस्तेमाल हो गए हैं। अब मुझे इसे कॉपी करके और यदि पेस्ट करता हूँ मैं सीधे, तो नाम मेरे नहीं आएंगे, आप जानते हैं। ये देखिए पुनः एड्रेस की प्रॉब्लम हो गई है। तो देखिए मैं इसे पुनः बताता हूँ आपको, पेस्ट स्पेशल करना होगा और जो वैल्यू है इसे मैं क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेस्ट स्पेशल में और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में साइड में मैंने क्लिक किया और पुनः इसे मैं लेता हूँ यहाँ से, देखिए सेलेक्ट किया और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं रख देता हूँ यहाँ पर पेस्ट करके, और सभी नाम मेरे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाम मैंने जो लिखा था वो इस्तेमाल हो चुके हैं। अब देखिए मैं आपको प्रॉपर कैसे लेटर आने चाहिए, जैसे पहला अक्षर मेरा बड़ा होना चाहिए और बाद के अक्षर इस्तेमाल होने चाहिए, तो वो कैसे करूँगा मैं, तो इक्वल का सिम्बॉल और PRO प्रॉपर यहाँ लिखा आ गया है फंक्शन में, तो इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कॉमा आ गया, एड्रेस बार डाल देता हूँ जो भी है,
और इसे मैं बंद कर देता हूँ और इंटर करता हूँ। इंटर करते ही देखिए राम शब्द जो है आर बड़ा आ गया और ई एम स्मॉल आ गया। मैं इसे लेके पुनः खींच देता हूँ और खींचने के बाद आप देखिए यहाँ पे पहला लेटर जो है कैपिटल आ गया है। अब देखिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके कॉपी करके रखता हूँ यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि वही फंक्शन की प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसलिए मुझे इसे पेस्ट स्पेशल करना होगा। और मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल करूँगा, वैल्यू पे जाऊँगा और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे जो फार्मूला है वो हट चुका है। पुनः मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके और जहाँ पे मुझे रखना है वहाँ पे मैं रख सकता हूँ। ऐसे एक्सेल शीट में चाहे 100 नाम हो, 200 नाम हो, 500 नाम हो, या शीट में जितने भी अक्षर को आपको सुधारना है आप बड़ी आसानी से सुधार सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।